अक्सर एक सवाल लोग पूछते हैं कि YouTube पर कौन से चैनल सबसे ज़्यादा अर्निंग करते हैं, कौन से चैनल किस टाइप के चैनल होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो अगर हम बात करें नॉर्मली जो है YouTube की, कि YouTube के मोनेटाइजेशन की वजह से जिसको सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है वो चैनल्स जो होते हैं, उनमें सबसे पहला नंबर टेक चैनल का आता है। कारण बता देता हूँ उसका, किस लिए टेक चैनल ज़्यादा अर्निंग करते हैं। एक्चुअली टेक प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं और उनके एडवर्टीजमेंट बहुत सारे होते हैं। मोबाइल रोज़ कोई ना कोई आ रहा है, ईयरफोन कोई ना कोई आ रहे हैं, कोई बैटरी आ रही है, कोई ये पावर बैंक आ रहा है, यहाँ तक कि फ्रिज कूलर एसी तक का लोग पावर बैंक उसका वो कर देते हैं, रिव्यू करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं, और उनके प्लस ऐड भी आते हैं। तो उनके वीडियोस पे जितना टेक्निकल आपका टाइटल रहता है उससे जुड़ा हुआ, तो उसी टाइप के जिस टाइप का आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन होता है उसी टाइप के ऐड उस पर प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ऐड जो होते हैं वो टेक्निकल वीडियोज़ के ऑलरेडी ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनके प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं और दूसरी जो मोनेटाइजेशन से आपको पैसा मिलता है। दूसरी तरफ अनबॉक्सिंग की अगर बात करें तो टेक्निकल चैनल को सबसे ज़्यादा मिलती है क्योंकि फ़ोन रोज़ कोई ना कोई लॉन्च हो रहा है, कोई नया चीज़ आ रहा है टेक्निकल में, रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है, तो वो टेक्निकल चीज़ों का रोज़ अनबॉक्सिंग के लिए कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। ठीक है, क्या कभी क्या लॉन्च हो रहा है, कभी क्या लॉन्च हो रहा है, मोबाइल रिचार्ज से लेकर सब चीज़ें टेक्निकल में ही आ जाती है क्योंकि मोबाइल के लिए से संबंधित हो गया। ठीक है, तो वो टेक्निकल को सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है अनबॉक्सिंग में भी और प्लस क्या कहते हैं आपको इसमें भी ये मोनेटाइजेशन से भी। दूसरा अगर बात करें तो ब्यूटी टिप्स में भी अच्छा खासा जो है लोगों की अर्निंग हो जाती है क्योंकि ब्यूटी प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं, उनके ऐड आते हैं मोनेटाइजेशन के बाद, उसमें बहुत सारा वो हो जाता है। दूसरा कॉमेडी की अगर हम बात करते हैं, जो वाइंस और कॉमेडी लोग बनाते हैं, तो उनके पे कारण ये है कि ऐड तो उस टाइप के ज़्यादा नहीं आएंगे टेक्निकल, लेकिन उसमें कारण ये है कि उनके व्यूज़ इतने आते हैं कॉमेडी, जो फेमस कॉमेडी ने देखो आप इतने व्यूज़, इतने आप मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं कि उस मिलियन ऑफ व्यूज़ में कि मतलब उनके जो टेक्निकल का 2 गुना 3 गुना उनके पास व्यूज़ आ जाता है, तो उसमें अगर कम भी ऐड आएगा तब भी बहुत सारा ऐड हो जाता है। शॉर्ट वीडियोस के बहुत सारे ऐप आ गए हैं, ये सब जो है कॉमेडी टाइप के वीडियो बनाने वाले जो सब होते हैं ये सारे ऐप भरे पड़े हैं आजकल, तो वो सब ऐप वाले मार वो कर ही रहते हैं। तो इससे क्या कहते हैं कॉमेडियन, मतलब अगर छोटा मोटा कॉमेडियन है तो उसको तो कम अर्निंग होती है स्टार्टिंग में, लेकिन अगर उसका फेस वैल्यू बढ़ जाता है तो उसको बहुत अर्निंग उनसे भी होने लगती है। उसको स्पॉन्सरशिप मेन होता है कि ऐप बहुत सारे ऐप हैं वो स्पॉन्सरशिप देने लगते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अर्निंग होती है वो टेक्निकल चैनल को होती है, फिर ब्यूटी वाले को होती है, उसके बाद जो है कॉमेडियन को होती है। कॉमेडियन के साथ में क्या होता है कि कॉमेडियन को मोनेटाइजेशन में तो कम उसको क्या कहते हैं एड्स उस पर आते हैं क्योंकि ऐसे टॉपिक होते नहीं उनके पास और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनमें, अनबॉक्सिंग के लिए ज़्यादा नहीं रहता कुछ, ज़्यादा क्या कुछ नहीं रहता, वो लोग बस ऐप का वो बता सकते हैं बहुत अच्छा ऐप है इसको डाउनलोड करो ऐसा करो वैसा करो, बट वो अनबॉक्सिंग कर नहीं सकते क्योंकि उनका दूसरा टॉपिक चैनल ही दूसरा है, वो वाइंस बनाते हैं। ठीक है, तो उनको लेकिन उनके व्यूज़ बहुत आते हैं इसलिए उनको अर्निंग ज़्यादा हो जाती है उनको, लेकिन उतना नहीं हो पाती जितना टेक्निकल का होती है। एक बड़ा ठीक ठाक टेक्निकल चैनल है तो फिर बहुत अर्निंग कर लेता है वो। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी अगर जिस लेकिन अगर आप जिस चीज़ में माहिर हो उस पर ही चैनल बनाओ, पैसे के पीछे मत भागो क्योंकि पैसे के चक्कर में ख़राब हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि टेक्निकल के महारथी बैठे हुए हैं यूट्यूब पे पहले से ही।